रहे हैं KGF और इसके आज का पूरा वीडियो आप एंजॉय करने वाले हैं। ये एक्चुअली इंट्रो के बाद आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपना पूरा एक्सपीरियंस हम लोग आप शेयर करने वाले हैं कि समस्ती के और KGF का स्पेशल क्या है। तो आपने मूवी में देखा था तो हम लोग रियली इंटरेस्टेड थे, क्या बता रहे हैं? हाँ भाई, वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो एंड एक्सप्लोर KGF। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं जेम्स मैन और मेरे दोस्त विक्रम के साथ आज हम लोग जा रहे हैं KGF। तो अभी हम लोग माराथली में हैं और माराथली से KGF लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में है और ये कर्नाटका में है। ये काफ़ी फेमस प्लेस है और KGF मूवी बनने के बाद तो ये काफ़ी फेमस हो गया। पहले तो था, अभी भी और ज़्यादा फेमस हो गया। तो आज हम लोग जा रहे हैं KGF का पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, तो देखते रहिए मेरा ये व्लॉग। वैसे जब से KGF मूवी रिलीज हुआ था तब से इंटरेस्ट था कि एक बार KGF घूम के आ जाएं, लेकिन टाइम नहीं मिला था और आज टाइम मिला है तो उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी लेट हो गया है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे हम पूरा कवर करने के लिए। हमें एक्चुअली सुबह निकलने का प्लान था। यहाँ पर हम गाड़ी का पेट्रोल भरेंगे, पेट्रोल पूरा फुल करने के बाद हम सीधा चलेंगे। और लंच वंच हो गया तो रास्ते में रुकने का प्लान इतना नहीं है, अगर बारिश वारिश नहीं होती। हाँ भैया, फुल कर दो टैंक। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो हमेशा गाड़ी का प्रेशर भी जरूर चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलो, बहुत दिन के बाद एक लॉन्ग राइड का मज़ा आ जाएगा आज। अगर आप माराथली से सीधा आ रहे हो तो महादेवपुरा क्रॉस करने के बाद आप चाहो तो KRpura में राइट टर्न ले सकते हो। तो फिलहाल हम लोग सही शॉर्टकट ले लिया, अभी हमें जल्दी पहुंचना है। और रास्ता इतना अच्छा है कि गाड़ी 100 की स्पीड में भी चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। कितना स्पीड चला रहा है ज़रा देख के। वैसे इंडियन रोड ज़्यादा स्पीड के लिए बना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत स्पीड चला सकते हो, लेकिन उसके लिए राइडिंग गियर्स होना चाहिए और स्पीड मेंटेन करना चाहिए कैसा स्पीड है। और ये देखिए, एक सुजुकी का गाड़ी है, वाओ कितना अच्छा मॉडिफाई किया है। चलो अच्छा है, बहुत दिन के बाद क्लासिक बाइक देखने को मिला। नेशनल हाईवे छोड़ने के बाद हम यहाँ पे राइट मोड़े और राइट मोड़ने के बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बस 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है। अब बारिश से होने जैसा लग रहा है तो हम लोग को शायद यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। तो आगे बारिश होने का ज़्यादा चांस है, इसलिए विक्रम बोल रहा है कि हम यहाँ पे चलो 10-15 मिनट रुक जाएँ। बारिश हुआ तो रुक जाएंगे, अदरवाइज चलेंगे फिर। यहाँ से लगभग अभी हम लोग जहाँ पे 25 किलोमीटर यहाँ से KGF है, लेकिन बारिश हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लोग राइट का हम लोग बारिश की वजह से हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ा। अगर बारिश खत्म हो तो ये हम राइट कंटिन्यू करेंगे। वैसे आज का वेदर बहुत अच्छा है वीडियो शूट करने के लिए। अगर वहाँ पे बारिश ना होगा तो हम लोग कुछ सिनेमेटिक वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे। फिर भी कोशिश रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचें और कुछ वीडियो बनाएं। ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, इसके और अंदर एक्चुअली जो मूवी का सेट है, KGF मूवी का सेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो हमें शायद
फिर अगेन रुकना पड़ेगा। अरे यार कैमरा में पानी गिर गया, देखो यहीं पे रुकते हैं यार। कोलार गोल्ड फील्ड, अब ये एरिया छोटा सा सिटी बन गया है, तो चलो यार बारिश भी हो रहा है तो हम लोग को रुकने के लिए एटलीस्ट थोड़ा प्लेस मिल गया। अभी भाई सबको पूछ रहे हैं हम लोग जाएंगे, रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग कहाँ आपसे जाना है। चारों तरफ देख रहे हो, ये पूरा एरिया एक्चुअली KGF का ही है। KGF गोल्ड माइन यहाँ पे पहले था लेकिन अभी नहीं है, वो बंद हो गया है। 2001 से बंद हो गया था। और फिलहाल ये टेम्पल देख सकते हो यहाँ पे, जितने भी सब काम करते थे ये सारे लोग अभी थोड़ा। और ये मंदिर देख पूजा होता है। हमका 6 बजने वाला है और हम लोग यहाँ पे पहुँचे विक्रम के साथ KGF में। हम लोग जैसे सोचते थे ये प्रैक्टिकली वैसा नहीं है, ये बहुत साल पहले ही एक्चुअली बंद हो गया है गोल्ड माइंस, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि हाँ ये वो पहले गोल्ड माइन था। और ये आप देख सकते हो जो मूवी का सेट है वो एक्चुअली कभी जाएंगे ये तो हम लोग, चलो मुझे KGF का मूवी Chapter 1 था, हम लोग का Chapter 1 हो गया पूरा, हम कंप्लीट नहीं कर पाए टूर, मतलब रास्ते में बारिश हुआ, अभी भी हो रहा है बारिश, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है और टाइम भी बहुत कम है, शाम होने वाला है। हाँ KGF पे जो मूवी है वो शाम को ही शूट हुआ था, तो हम लोग भी सोचे थे कि चलो हम लोग भी थोड़ा शाम को ही चलते हैं निकलते हैं। और हम लोगों का यहाँ पे टूर खत्म हो गया पूरा KGF, आप देख सकते हो यहाँ पे जब जो लोग पहले KGF के जो गोल्ड माइन में काम करते थे फिलहाल वो अपना घर बना दिए। और यहाँ पे एक टेम्पल है जो टेम्पल में यहाँ का सारे लोग पूजा करते हैं, ये है वो टेम्पल जैसे आप देख सकते हो। खुदाई करते थे, मतलब इतना भयानक जगह है, अभी भयानक जगह बन गया है। पहले का सिचुएशन अभी का सिचुएशन क्या बताएं यार, पहले यहाँ पे इतना सारा लोग यहाँ पे उनका डेथ हुआ है, ये हुआ है, पूरा नीचे में नीचे पूरा खत्म हो गया है 2002 और अपने यहाँ से निकलना है क्योंकि हम रुक नहीं सकते। वैसे और बहुत कुछ देखना बाकी रह गया था और ब्लॉग में ये तो हम लोग कवर नहीं कर पाए, अगर वेदर ख़राब नहीं होता तो हम डेफिनेटली जो शूटिंग सेट है उसका ब्लॉग ज़रूर बनाते। तो नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे इस प्लेस को और जो जहाँ पे फिल्म शूटिंग हुआ था KGF का, तो उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कब आते हैं, और अगर बारिश नहीं हुआ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे बेंगलोर में, देखते हैं क्या होता है। वैसे KGF को छोटा इंग्लैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे पहले जो इंग्लो इंडियन रहते थे तो यहीं चर्च पे उनका जो प्रेयर करते रहते थे। बहुत बड़ा प्लेस है यहाँ पे, तो यहाँ का कुछ रहन सहन जैसे इंग्लैंड का लोग जैसे है ना उस टाइप का था थोड़ा सा, वैसे ये मैंने विकीपीडिया में पढ़ा था, रियलिटी में तो नहीं देखा। यार अगेन बारिश, विक्रम कैमरा में पानी गिर गया यार, चलो रुकते हैं कहीं पर।
आए 7:30, अभी भी हम KGF में हैं और इतना जोर से बारिश हो रही है कि हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। कावड़ बारिश हो चुकी है, इधर देखा हो रहा है बारिश। अभी तुम्हारे कैमरा की क्वालिटी खराब है, विक्रम, इसलिए ठीक नहीं लग रहा है। एनीवे, आज कुछ भी हो, हमें रात को ये बाबू जाना है बैंगलोर। बारिश कितना टाइम चलेगा इसको नहीं पता, और एक्शन कैमरा बाकी सब कुछ ठीक है तो उसको उस तरह हम बैग रख दिए। बारिश छोड़ने के बाद हम फिर जाएंगे बैंगलोर को और एडिटिंग करेंगे, वीडियो फिर पब्लिश करेंगे। आपके लिए KGF घूमने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, उसका वीडियो या कुछ बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।